बेटी बड़ों के पैर छू और उनसे आशीर्वाद ले। आशीर्वाद दे ही दीजिए वरना मुझे और चार्ली को खामखा मेहनत करनी पड़ेगी। जीती रहो। अरे परजाई जी आप सास हैं, बहू है आपकी, आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला। शगुन तो दे दीजिए ना। क्यों शिवाय, शगुन तो बनता ही है ना। आपके कंगन बड़े प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। चार्ली बिक्की मत, इस लड़की को शगुन का कम करना पहना थी। इसका मतलब ये नाटक नहीं था, और अगर नाटक होता तो शिवाय इस नाटक को इतना दूर तक लेकर ही नहीं जाते और सब इतने खुश भी नहीं होते। इसका मतलब ये सच था, नाटक नहीं था, ये नाटक नहीं था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इन ओबेरॉय पर भरोसा करेगी, इन्हीं के बारे में सोचेगी, तो तेरे मरे हुए बाप की आत्मा तुझे जिंदगी भर कोसेगी। इन लोगों ने तेरे बाप को आत्महत्या पे मजबूर किया, तुझे अनाथों की जिंदगी जीने पे मजबूर किया, और आज इन्हीं लोगों ने तेरे होते हुए भी शिवाय की दूसरी शादी करा दी। और ताजुब की बात यह है कि वहां सब नई दुल्हन के साथ हंस हंस के दांत दिखा दिखा के फोटो खिंचवा रहे, जश्न मना रहे, बेशरम कहे के। किसी को तेरा ख्याल तक नहीं आया आने का, किसी ने ये नहीं सोचा कि अनिका पर क्या बीतेगी, अनिका कैसे झेलेगी। खैर शिवाय ने तो एक अच्छे बेटे की तरह अपने परिवार को बचा लिया। अब तेरी बारी है बेटी होने का फर्ज निभाने की, अपने मरे हुए बाप, अपने निर्दोष पापा को इंसाफ दिलाने की। तेरी बारी है। मेरा वक्त जाया करना बंद कीजिए। सबूत? इतना गुस्सा एक छोटे से सबूत के लिए? तो ये ले। Try.
क्या किया आपने? क्या? तूने वो कहावत सुनी होगी ना, जैसे कुछ पैसा। तूने क्या समझा? हाँ, तू मुझे बेवकूफ बनाएगा और मैं चुपचाप देखती जाऊंगी। क्या मतलब है आपका? नकली पंडित, नकली मंत्र, तुझे क्या लगा तू ये खेल खेलेगा और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? पता है क्यों? क्योंकि तेरी चाल का जवाब मेरे पास बहुत पहले से मौजूद था। बल्कि जब तुम लोग ये फालतू के प्लान में बिजी थे ना, मैं अपनी चाल चल रही थी, सबसे बड़ी चाल। तेरी ये नकली शादी मैंने अनिका को दिखा दी। असली समझ भी ली। सिर्फ शादी नहीं, बल्कि तुम लोगों का नहीं बहू के साथ हंस हंस के फोटो खिंचवाना, परजाय जी का नहीं बहू को शगन के तौर पे कंगन देना पहनाना, वो सब देख लिया उसने, सब देख लिया। मैंने आपको मना किया था कि अनिका को इस बीच में मत लाना, लेकिन आपने फिर भी किया। क्यों बुआ? ताकि तू तड़पे जैसे तू अभी तड़प रहा है। वो अनिका भिकारन रोए अपनी फूटी किस्मत और पति की बेवफाई पे। कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, भटक रही होगी सड़कों पर। अरे पति से और अपने ससुराल वालों से इतना बड़ा धोखा मिला है उसे बेचारी को, जाने क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। अरे मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो अपने बाप की तरह आत्महत्या ना कर दे। मजा आया ना मेरा गोली मुझे? Anika! हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी दिखाए, कुछ भी बताए, तुम किसी बात को नहीं मानोगी जब तक वो बात मैं ना कहूं। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार मुझसे बात करोगी। मैंने आप पे भरोसा किया था शिवाय, यहां तक कि कानों सुना और आंखों देखा भी जुटला दिया था। हमारा रिश्ता मेरा गुरूर था शिवाय, और आपने ही उसे दांव पे लगा दिया।
अब इतना सब कुछ होने के बाद भी शादी संपन्न हो, आत्महत्या पे मजबूर। बहुत जल्दी में हो शिवाय। मेरे पास आज तेरे लिए वक्त नहीं है वीर। लेकिन मेरे पास वक्त ही वक्त है। आज आगे पीछे का सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। काय झाला मैडम? कुछ कुछ काम था। कैसा काम था? तू जब चाहे हिसाब बराबर कर लेना वीर, लेकिन आज नहीं। आज मुझे मेरी अनिका के पास जाना है। अनिका के पास तो तू तब जाएगा ना जब मैं तुझे अनिका के पास जाने लायक छोड़ूंगा। सबूत देना था। सबूत किसके खिलाफ? शिवाय सिंह ओबेरॉय और उनके परिवार के खिलाफ। ओबेरॉय? कैसा सबूत मैडम? तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज यहां तू मरेगा और वहां अनिका मेरे हाथों से तड़प तड़प आह।
कल्याणी मिल, कल्याणी मिल हादसा। कल्याणी मिल? मैडम आइए आइए अंदर आइए। मैडम आप बैठिए, मैं बड़े साहब को बुला के लेके आता हूं। थैंक यू अनिका भाभी। अब भाभी वाला काम किया तो भाभी तो बोलना ही पड़ेगा। और भाभी जो आपने आज मेरे लिए किया ना भाभी, क्या नहीं मुझे करने दीजिए। मुझे आज पता चला कि लोग क्यों बोलते हैं भाभी माँ के जैसी होती है। मेरे बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन गई है, मेरी बेटी बन गई है, उनकी माँ। तू तो जानती है मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना। एक बात याद रखना, जिंदगी के सफर में बड़ी मुश्किलें आएंगी, पर सफर कितना भी मुश्किल अगर हम सफर साथ हो तो आसान हो जाता है। इसलिए एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। मुझे लगा था देर से ही से शिवाय के परिवार में मुझे अपना परिवार मिल गया है, वो परिवार जो मेरे लिए सबसे पहले था। मैं तो उस परिवार की हो गई, लेकिन वो परिवार कभी मेरा नहीं हो गया। अगर शिवाय के लिए उनका परिवार सबसे पहले है, तो आज से मेरे लिए भी मेरा अपना परिवार सबसे पहले आएगा। चाहू तो इस वक्त तेरी जान ले सकता हूं, लेकिन मेरे लिए अनेका से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। आइए सर आइए। ये मैडम कल्याणी मिल के सबूत। ये मैडम कहां चली गई? सर मैडम को यहीं बिठा के गया था। तो ये लड़की कहां चली गई? पता नहीं सर, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो किया, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं? भले ही कुछ दिनों के लिए से, लेकिन उस परिवार ने मुझे बेटी बहू और भाभी होने का दर्जा दिया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, तो फिर मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूं? नहीं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी 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 पापा, सॉरी। आपको निर्दोष साबित करने के लिए मैं शिवाय और उनके परिवार के खिलाफ ये कदम नहीं उठा सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि आप पे लगे हर इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी, आपके नाम पे लगे दाग उसे मैं मिटा कर रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूं, वादा करती हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।